हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम नवरात्र व्रत स्पेशल थाली तैयार करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आपको दिखाते हैं कि बड़े जो हैं बहुत बेहतरीन बनके तैयार हो। इस तरीके से देखिए कितनी जालियां जो हैं बड़े में पड़े हैं, आपको हम पास से दिखा देते हैं। बहुत बेहतरीन बनके तैयार हुए, बहुत ही टेस्टी बने। इस तरीके से आप जरूर बनाएं। देखिए, हमने दाल को रात भर हमने भिगो के रख दिया, अच्छे से ये फूल गया है। अब इसको हम पीस के तैयार करेंगे। हम नवरात्र व्रत स्पेशल हम बड़े बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बड़े जो है बनके तैयार होते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल खराब नहीं होंगे, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। इस तरीके से बनाएं। चलिए अब इसे हम पेस्ट इसका हम तैयार कर लेते हैं। देखिए, हमने जार ले लिया है। इस जार में जाएगा ये दाल। इस दाल को हम जार में डाल देते हैं। देखिए, इसमें जाएगा ये मिर्च। तीखे के अनुसार हमने 10-12 हरी मिर्चें ले ली है। अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, इसमें जाएगा ये जीरा और ये रहा धनिया खड़ा। इसे जो स्वाद है बड़े का, बहुत ही टेस्टी बढ़ के आता है। देखिए, व्रत के लिए बना रहे हैं तो कुछ इसमें डालना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो चटपटा और बेहतर बन के तैयार हो। अब इसे हम तैयार कर लेते हैं। हल्का सा डालेंगे पानी और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने ये हरा धनिया ले लिया। इसमें ये सेंधा नमक, जो व्रत में हम लोग नमक खाते हैं, ठीक है, स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया। और जो हमने दाल पीस के तैयार की है, इस दाल को हम इसमें देखिए निकाल लेते हैं कटोरे में। देखिए, हमने आलू उबाल लिया है। दाल जितनी है उतना हमने आलू ले लिया। ये 4 हमने आलू ले लिया है। एक कटोरे में दाल यूज में लिया था। इससे ज्यादा आलू ना डाले, नहीं तो क्या होगा कि जब हम बनाएंगे बड़े तो वो तेल पी लेंगे। देखिए, हम नवरात्र व्रत स्पेशल थाली बना रहे हैं। बड़े और खीर दोनों बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होते हैं। ये देखिए, हमें इसे मिला के तैयार कर लेना। अब हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल इसे मिला लेना है। देखिए, हमने मिला के इसे तैयार कर दिया। हमने तेल रख दिया है चूल्हे पे गर्म होने के लिए। अब इसे हम चेक करते हैं तेल गर्म हो गया कि नहीं। देखिए, तेल जो है गर्म हो चुका है। अब हम बड़े बनाना शुरू करेंगे। बहुत अच्छे से तेल जो गर्म हो चुका है, देखिए, अब हमें लेना है हाथ में ऐसे। देखिए, हमें ऐसे ले लेना है और बीच में ऐसे हमें होल्ड कर देना है, ठीक है। अब ऐसे हमें डाल देना आराम से। दूसरा वाला भी दिखा देते हैं हम आपको। देखिए, इसे हमें ऐसे, देखिए ये सही है, बस हमें बीच में होल्ड कर लेना है, ऐसे डाल देना। बहुत ही स्वादिष्ट, आपको बता नहीं सकते, आपको इतना टेस्टी लगता है ये। इस तरीके से आप बनाएंगे ना, बहुत बेहतर बन के तैयार होगा। और अंदर जो है इतनी जालियां पड़ी रहती हैं। देखिए, ऐसे ही करते हुए हम सारे बड़े को डालेंगे, जितना पड़ सके इसमें हम डालेंगे। देखिए, एक साइड जो है ये तल चुके हैं। अब इन्हें हम दूसरे साइड जो है पलट देते हैं। बहुत ही बेहतर और टेस्टी बने हैं ये। देखिए, ऐसे ही करते हुए हम दूसरे साइड भी इन्हें पलट लेंगे। देखिए, ये तल चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं तेल से बाहर। बहुत बेहतरीन जो बड़े बनके जो हुए हैं तैयार। देखिए, अब इन्हें हम सारे को तेल से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, हमने बड़े को तेल से बाहर निकाल लिया है। अब इसे हम थाली में ले लेते हैं। देखिए, जैसे हमने पहली बार बना के तला, वैसे हम दोबारा डाल के बड़े को तल के तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने दूसरी चांस जो हमने डाला है बड़े जो है, ये भी तैयार हो चुके हैं। ये भी हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं, चूल्हे को करते हैं बंद। देखिए, हमने ये तिन्नी का चावल जो है, एक पाव ने चावल ले लिया है। अब इसका हम खीर बनाएंगे। नवरात्र व्रत स्पेशल बहुत ही टेस्टी खीर बनके तैयार होती है। इस तरीके से आप बनाएंगे, बहुत बेहतर और टेस्टी। देखिए, हमने ये कटोरा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे, इसको हम 4 बार अच्छे से, क्योंकि बाजार से चीज हो या घर का, इसे हमें 4 बार अच्छे से साफ से अच्छे से हमें धुल लेना है। धुल के और इसे हम 10 मिनट के लिए पानी डाल के भिगो देंगे। खीर बहुत ही रबड़ीदार बन के तैयार होती है। इतना लाजवाब पूछिए मत, बहुत ही टेस्टी खीर बन के तैयार होती है। अब इसे हम धुल के 10 मिनट के लिए भिगो देते हैं। देखिए, हमने ये 2 लीटर दूध ले लिया है खीर बनाने के लिए। अब गाय का या भैंस का या नहीं मिल रहा तो पैकेट का भी दूध यूज में ले सकते हैं व्रत के लिए। देखिए, हमें व्रत के लिए खीर बनाना है। हमने दूध को रख दिया है, दूध जो है गर्म हो चुका है। 10 मिनट हो गया, हमने चावल को भिगो के रख दिया था। अब इसमें से हम क्या करेंगे, चावल में से हम आपको दिखाते हैं।
देखिए चावल जो है फूल के डबल हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसका हम पानी निकाल देंगे और उसके बाद इसे हम दूध में डाल देंगे। देखिए बहुत अच्छे से दूध जो है 10 मिनट तक हमने दूध को उबाल लिया है, दूध जो है तैयार हो चुका है। अब इसमें हम चावल को डाल देते हैं, दूध को अच्छे से उबाल के और उसके बाद से ही चावल को डालें, तभी खीर बहुत ही बेहतर और टेस्टी बनके तैयार होती है। और चावल डाल देने के बाद हमें इसे लगातार अच्छे से दूध में चावल को चलाते रहना है। देखिए अब इसे हम सारा डाल देते हैं इसमें, देखिए अब इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है जब तक इसमें अच्छे से उबाल न आने लगे दूध में, तब तक हमें नहीं छोड़ना है, ऐसे ही खीर को चलाते रहना है, नहीं तो चावल जो है जम जाते हैं, खीर मतलब अच्छी नहीं बन, ज्वाइंट ज्वाइंट रहता है तो अच्छा नहीं लगता खाने में। और इस तरीके से आप चलाते हुए लगातार तैयार करेंगे, बहुत ही खिला खिला बेहतरीन और टेस्टी जो है खीर बनके तैयार होगी, एकदम लबादार पूछी में मज़ा आएगा खाने में। देखिए इस तरीके से आप खीर को ज़रूर बनाएं। हमने और वीडियो डाला है व्रत के लिए, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। देखिए ऐसे ही हम लगातार चलाते हुए अच्छे से उबाल आने तक हम इसको तैयार करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है, ऐसे ही हम कुछ देर तक ऐसे ही पकाएंगे इसको चलाते हुए। बहुत अच्छे से उबाल जो है आने लगा है, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उबाल आ रहा है, बहुत ही टेस्टी खीर बनके तैयार होगी। ऐसे ही इसे हम चलाते हुए अच्छे से कुछ देर तक 5 मिनट तक उबालेंगे, फिर हम कम पे रख के और इसे हम ढक के पकाएंगे। देखिए अब इसको हमने उबाल लिया है, अच्छे से तैयार हो चुका है, अब इसे हम ढक के अब इसे पकाएंगे। जब तक अच्छे से चावल तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक हमें अच्छे से इसे पकाना है। देखिए चावल जो बहुत अच्छे से गल चुका है, इस समय हम इसमें किशमिश डाल देते हैं और हम चीनी डाल देते हैं। देखिए इसमें चीनी डाल देते हैं, ये रही चीनी। चीनी डाल के हमें छोड़ना नहीं, अच्छे से इसे हमें घुमाना है, क्योंकि क्या होता है कि चीनी डाल के छोड़ देने से दूध जो है फट जाता है, इसलिए बिल्कुल छोड़े नहीं चीनी डाल के। और 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से चलाएं, जब इसमें उबाल आने लगेगा अच्छे से उसके बाद से। देखिए हमने लगातार चलाया इसे 2 मिनट के लिए, अच्छे से हमने तेज भी कर दिया है, उबाल आ गया है, चीनी गल गई है थी। इसे इसलिए पकाना ज़रूरी होता है क्योंकि हमने चीनी डाला, चीनी डालने से ये पतली हो जाती है खीर, तो मतलब अच्छा स्वाद नहीं आता। और चीनी डाल के अच्छे से हमें ऐसे ही 2 मिनट तक हमने देखिए अच्छे से हमने उबाला है, खीर जो है तैयार हो गई है। चूल्हे को हम बंद करते हैं, हम आपको निकाल के दिखाते हैं कितना बेहतरीन आज हमने आपके लिए बनाया है, बहुत ही बेहतरीन और टेस्टी खीर और बड़े दोनों हमने बना के तैयार करना है। देखिए खीर तो हमारी तैयार हो गई, अब हम बड़े तलेंगे। नवरात्र व्रत स्पेशल हमने जो थाली बनाई है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। देखिए हम खीर को ले लेते हैं कटोरे में। देखिए हमने खीर को भी निकाल लिया है, अब इसको हम ये हमने बादाम के कुछ कतरन ले रखी है, खीर को हम सजा देते हैं। नवरात्र व्रत स्पेशल जो है थाली है बनके तैयार हो गई है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।